तुनिशा शर्मा मामले में जांच जारी है। इस बार तुनिशा के परिवार ने भी बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। उनका यह कहना है कि शीजान के कई लड़कियों से संबंध थे। मोबाइल की फॉरेंसिक जांच से कुछ रास्ते खुल भी सकते हैं। कल भी तनिशा की मां ने कहा कि तुनिशा ने शीजान को दूसरी लड़कियों से चैट करते हुए देखा था और इसके बाद से ही वो तनाव में थी। अब प्रश्न यहां ये उठता है कि शीजान की जिंदगी में वो बाकी लड़कियां कौन थी और उनके साथ शीजान के किस तरह के संबंध थे जिससे तुनिशा इस कदर तनाव में थी। तुनिशा और शीजान की यह करीबी बताती है कि वो दोनों कितने नजदीक थे। तुनिशा अपनी जिंदगी में शीजान के आने से बेहद खुश थी। शीजान के बर्ताव से भी लग रहा है कि वो तुनिशा को काफी चाहता और दोनों के रिश्तों के बीच ऐसा कुछ नहीं था जो दरार का सबब बने या जुदा होने का रास्ता तैयार करे। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से शीजान बदल गया? क्यों शीजान ने यह रिश्ता खत्म करने का फैसला किया और लाख समझाने पर भी वो नहीं माना? उसने तुनिशा की मां से कह दिया कि मुझे माफ करो। शीजान ने तुनिशा से रिश्ता क्यों तोड़ा? क्या शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया? क्या शीजान किसी और लड़की को चाहता था? शीजान की जिंदगी में वो कौन थी? तुनिशा के परिवार का सीधा आरोप है कि शीजान दूसरी लड़कियों के साथ रिश्ते में था और इसीलिए उसने तुनिशा को धोखा दिया। मैं सबको, आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया। उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सजा मिलनी चाहिए, शीजान को नहीं छोड़ना, मेरा बच्चा गया है। तुनिशा के मामा पवन शर्मा भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया और इसी के चलते वो काफी तनाव में थी। जब से ये शो शुरू हुआ था तभी से इन लोगों का मतलब मिलना जुलना था, अच्छे दोस्त थे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अभी पिछले 15-20 दिन पहले तुनिशा को एंजाइटी सेट पे अटैक आया था, तो इन लोगों ने उसको एडमिट किया। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसने सिर्फ इतना बोला, मैं भी था, उसकी मम्मी भी थी, डॉक्टर भी थे, कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, ये सब बोल रही थी। वो बार बार रिपीट कर रही थी एक ही बात को। बस तभी पता चला कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है शहजान के और उसके बीच में। फिर तुनिशा की मम्मी ने समझाया भी कि अगर तुम्हें रिश्ता नहीं रखना था तो इतना क्लोज आने की क्या ज़रूरत थी पहले। परिवार के आरोप समझ में आते हैं क्योंकि उन्होंने अपने घर की बेटी को खो दिया, लेकिन शीजान पर ऐसे ही इल्जाम कुछ और लोग भी लगा रहे हैं। इसमें सबसे खास है तुनिशा की दोस्त रैया लबी, जो साफ कहती हैं कि शीजान के कई लड़कियों के साथ संबंध थे और इसकी कई गर्लफ्रेंड्स थी। शीजान खान वो एक साइड से अपने प्यार को तुनिशा को धोखा दे रहा था। उसका बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा था। आई मीन